हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल होने वाले मंडे नाइट रॉ के बारे में। इस हफ्ते रॉ में सेथ रॉलिंग्स रिटर्न आ रहे हैं और बेकी लिंच को सस्पेंड करने के बाद भी मैकमैन फैमिली ने उन्हें फिर से इन्विटेशन दिया है कल रॉ में आने का। इस वीडियो में मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग मैच के बारे में बताऊंगा जो हो रहा है डीन एम्ब्रोस और निया जैक्स के बीच। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे रेसलिंग पीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबा के मेरी किसी भी वीडियो को मिस मत करिए। स्टेफनी मैकमैन ने पिछले हफ्ते रॉ में बेकी लिंच को उनकी इंजर्ड नी को डॉक्टर से चेक करवाने के लिए कहा, लेकिन बेकी लिंच की मना कर देने के बाद स्टेफनी मैकमैन ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, जिससे गुस्सा होकर बेकी लिंच ने अटैक कर दिया स्टेफनी मैकमैन पर। अगले दिन स्मैकडाउन लाइव में बेकी लिंच फिर आ गई, पर उनको घर जाने के लिए कहा ट्रिपल एच ने, और इस बार बेकी लिंच ने ट्रिपल एच को भी थप्पड़ मार दिया। आपको बता दूं, बेकी लिंच अब भी सस्पेंडेड हैं, पर उन्हें कल रॉ में मैकमैन फैमिली ने फिर से बुलाया है। तो चलिए देखते हैं कि बेकी लिंच अपनी इंजर्ड नी को चेक करवाने के लिए राजी होती हैं या फिर वो मना करके WWE से सस्पेंड ही रहती हैं। फिन बैलर ने पिछले हफ्ते रॉ में लियो रश को हरा दिया था, इसलिए इस हफ्ते उनका मैच बॉबी लैशली के साथ फिक्स हो जाएगा एलिमिनेशन चेंबर में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। पिछले हफ्ते रॉ में रोंडा रोजी ने राइट स्क्वाड की बाकी दो मेंबर्स को हराया था और अब एलिमिनेशन चेंबर में वो फेस करेंगी राइट स्क्वाड की लीडर रूबी राइट को, और इसलिए कल के रॉ में रूबी राइट अटैक कर सकती है रोंडा रोजी पर। लास्ट रॉ में कर्ट एंगल और ब्रॉन स्ट्रोमन का टैग टीम मैच हुआ था ड्रू मैकइंटायर और बैरन कॉर्बिन के साथ, पर ये मैच पूरा नहीं हो पाया था और PW Insider से ऐसी न्यूज मिली है कि इन चारों का टैग टीम मैच फिर से होगा एलिमिनेशन चेंबर में और कल के रॉ में ही इनका मैच फिक्स होगा। वुमेन्स टैग टीम टाइटल के लिए ये तीन टीम्स चुनी जा चुकी है रॉ से, तो कल रॉ में इन तीनों टीम्स का मैच या फिर ब्रॉल हो सकता है। दो हफ्ते पहले जब सेथ रॉलिंग्स ने ब्रॉक लेसनर को चैलेंज किया रेसलमेनिया 35 के लिए, तब उन्हें 6-5 झेलने पड़ गए और सेथ रॉलिंग्स का बैक सच में इंजर्ड हो गया है, इसलिए वो पिछले हफ्ते रॉ में नहीं आए थे। लेकिन इस हफ्ते WWE ने एडवर्टाइज किया है कि सेथ रॉलिंग्स आने वाले हैं, पर मुझे नहीं लगता कि अभी वो किसी भी तरह की फाइट करेंगे क्योंकि उन्हें रेसलमेनिया से पहले पूरी तरह से ठीक होना है। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि WWE वाले बहुत कुछ कर रहे हैं उनकी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए, इसलिए अब वो निया जैक्स और डीन एम्ब्रोस का भी मैच करवाने वाले हैं। आपको बता दूं, इन दोनों का मैच 22 फरवरी को WWE के लाइव इवेंट में होगा और WWE ने इस मैच की एडवर्टीजमेंट भी कर दी है। अगर इस मैच की वजह से लाइव इवेंट्स की टिकट्स बिकेंगे तो WWE वाले आगे पेपरव्यूज में भी इंटरजेंडर मैचेस करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप कमेंट्स में बताइए कि आप निया जैक्स और डीन एम्ब्रोस के मैच में किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इतनी ऑसम वीडियोस आपसे मिस ना हो।